बड़ी खबर, तुमसर विधानसभा से 10 प्रत्याशी मैदान में, जहां 5 लोगों ने लिया नामांकन वापस। मोहाड़ी तुमसर विधानसभा क्षेत्र में 15 प्रत्याशियों में से 5 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब चुनाव मैदान में 10 प्रत्याशी शेष बचे हुए हैं। नामांकन फॉर्म भरने के अंतिम दिन तक कुल 16 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। इसमें जांच के दौरान सदाशिव ढेंगे का नामांकन आवश्यक कागज पत्रों के अभाव में अवैध घोषित किया गया था। नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस के अनिल बावनकर, योगेश सिंगुड़ू जुटे, राजकुमार माटे, सुरेश रहांगडाले, कांग्रेस के गौरीशंकर मुठघरे ने नामांकन पीछे ले लिया है। चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी राजू कारे मोरे के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 लोगों ने पर्चा भरा था। आघाड़ी के होने वाले नुकसान को मद्देनजर रखने के बाद कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के निर्दलीय प्रत्याशी को मनाने का सिलसिला शुरू किया गया था। दूसरी ओर भाजपा से बगावत करने वाले चरण वाघमारे से भी नामांकन लेने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रयास किए गए थे, किंतु नामांकन वापस नहीं लेते हुए निर्दलीय के रूप में आह्वान खड़ा हो गया है। वही कांग्रेस के डॉक्टर पंकज कारेमोरे भी मैदान में डटे हुए हैं। अब चुनाव मैदान में कुल 10 प्रत्याशी डटे हुए हैं। इनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के राजू कारेमोरे, भाजपा शिवसेना के प्रदीप पडोले, निर्दलीय चरण वाघमारे, डॉक्टर पंकज कारेमोरे, खेमराज पंचभूते, बसपा की छाया गबने, उषा केलस्कर, भोला परशुराम, बहुजन वंचित आघाड़ी से विजय सहारे, बहुजन मुक्ति पार्टी से रविदास लोखंडे का समावेश है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।